सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। इसी के साथ ही आशा करते हैं आपको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा, आप पूरा देखें। और इसी के साथ ही हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो। कई देशों ने चंद्रयान 3 को, ये देखिए हमारा आज का चित्रण चंद्रयान 3 का, बड़ी खुशी की बात है जो दिखा और चांद सतह पर जाने के लिए अग्रसर है। अब देखें चांद के करीब चंद्रयान, इतिहास रचेगा हिंदुस्तान। कुछ घंटों बाद चांद के इलाके में चंद्रयान। जय हिंदुस्तान, चांद की कक्षा में चंद्रयान। बनेगा नया कीर्तिमान पीछे सारा जहान। चंद्रयान 3 बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। भारत के गौरवशाली और दुनिया में पहचान बनाने वाले चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि हमारा यान अपने पड़ाव का एक और हिस्सा पार कर अपने मिशन में आगे बढ़ेगा। 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से चंद्रयान 3 ने करीब 2/3 दूरी तय कर ली है। प्रक्षेपण के बाद से चंद्रयान ने कक्षा में ऊपर उठाने की प्रक्रिया को 5 बार सफलतापूर्वक पार किया। इसरो के अनुसार आज एक महत्वपूर्ण प्रयास में चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए आज करीब 7 बजे का समय निर्धारित है। आज चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 40,000 किलोमीटर दूर अंडाकार वाली ऑर्बिट ने पकड़ेगा। इसके बाद 17 अगस्त तक ऑर्बिट मैनूवर होगा। 17 अगस्त को 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 डाला जाएगा। उसी दिन प्रोपल्सन और लैंड मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी। चंद्रयान 3 को लैंडर मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा के 100×30 किलोमीटर की ऑर्बिट में ले जाया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे चांद की दक्षिणी सतह पर इसकी लैंडिंग होगी। दरअसल माना जा रहा है कि चांद की दक्षिणी सतह पर अभी तक कोई देश सफलतापूर्वक नहीं पहुँच पाया है। ऐसे में ये भारत का मून मिशन बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त शाम 5:45 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा और भारत नया कीर्तिमान रचेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रयान 3 की अब तक की सफलता को देखते हुए दुनिया में मून मिशन लॉन्च करने की रेस तेज हो गई है। इस कतार में दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले बड़े बड़े देश शामिल हैं। दुनिया के तमाम विकसित देश हिंदुस्तान की सतह के साउथ पोल में ही अपने ज़्यादातर मून मिशन प्लान कर रहे हैं। जिस वक्त चंद्रयान चांद की कक्षा में होगा उसी समय रूस भी अपने स्पेस क्राफ्ट को चांद पर लॉन्च करेगा। अगस्त के महीने में ही रूस अपने स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को चांद पर भेजने जा रहा है। खबरों के मुताबिक 10 से 12 अगस्त के बीच अपने इस मिशन को लॉन्च कर देगा। यहां सबसे दिलचस्प बात है कि चंद्रमा के जिस साउथ पोल पर भारत का चंद्रयान उतरने वाला है उसी जगह पर रूस लूना 25 भी लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान की तरह लूना 25 भी साउथ पोल की मिट्टी और दूसरे कंपोनेंट की स्टडी करेगा। चंद्रयान की तरह लूना 25 में भी सोलर पैनल लगे हैं
जो चांद की सतह पर सूर्य की रोशनी से ऊर्जा पैदा करेगा। चंद्रमा का साउथ पोल धरती के लोगों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग हैं। यहाँ एक ऐसे हिस्से हैं जहाँ सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। यही वजह है कि रूस से लेकर अमेरिका तक इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते। 2025 में नासा साउथ पोल में अपना पहला ह्यूमन मिशन आर्टिमिस 3 लॉन्च करेगा, यानी पहली बार चांद में साउथ पोल पर किसी इंसान को उतरने की प्लानिंग है। अगर अमेरिका का ये मिशन सफल हुआ तो 51 साल बाद पहली बार चांद पर किसी इंसान के कदम पड़ेंगे। आखिरी बार साल 1972 में अमेरिका ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। अमेरिका के मून मिशन के लिए चंद्रयान 3 का सफल होना बेहद जरूरी है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो डेटा चंद्रयान भेजेगा उसे नासा को अपने मिशन में काफ़ी मदद मिलेगी। यानी चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद सुपर पावर अमेरिका भी जय हिंदुस्तान करेगा। आज भारत का तिरंगा स्थायी रूप से पहली बार चांद के साउथ पोल पर लहराएगा और पूरे विश्व में जय हिंदुस्तान का जोरदार आवाज़ गूंजेगी। इसी के साथ ही हम आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू।